हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट किचन। और आज हम बनाएंगे द ग्रेट वेज बर्गर। तो चलिए इसको झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बर्गर पैटीज बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरा को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हम वेजीज डालेंगे। सबसे पहले मैंने अनियन ली है, कैरेट डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कोरिएंडर डालेंगे यानी कि धनिया पत्ता, और उसको डालकर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम मैश पोटैटो डालेंगे। मैंने बॉईल करके रखा हुआ था 1 कप पोटैटोस, और उनको डालकर अच्छे से मिला लीजिएगा। हमें पोटैटोस को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे लीजिएगा। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर, और डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं और ये अच्छे से भुन जाएं। अब मैशर की हेल्प से आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। लीजिए, हमारे आलू का मिक्सचर बहुत अच्छे से बनकर रेडी है। अब इनकी हम पैटीज बनाएंगे। तो चलिए पैटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हैंड में जो मिक्सचर है वेजिटेबल्स का वो ले लेंगे और उसकी बॉल बना लेंगे और उसको पैटीज की शेप में अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब पैटीज को हम स्लरी में डिप करेंगे दोनों साइड से, और उसको ब्रेड क्रम्स में दोनों साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी पैटीज। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप एक पैन ले लीजिए और उसमें ऑयल डाल लीजिएगा। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डीप फ्राई करूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें आप पैटीज को फ्राई कर लीजिएगा। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, मीडियम रखें। हमारी पैटीज बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम इनका साइड चेंज करेंगे। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो लीजिए, बहुत अच्छे से हमारी जो पैटीज है फ्राई हो गई है और बनकर तैयार है। अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन में बटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। इसमें हम बर्गर बंस को अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने बन लिया है बर्गर बन, उसके ऊपर मैंने चिली मेयोनीज लगाई है,
अगर आपको ये नहीं इसकी रेसिपी नहीं पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम अनियन रिंग्स रखेंगे। अब पैटीज रखेंगे। फिर से हम थोड़ी चिली मेयोनीज डालेंगे। टोमेटो स्लाइसेस रखेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे। आप चाहें तो ग्रेटेड चीज भी रख सकते हैं, बट आप स्लाइस रखें तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब इसके ऊपर हम मिंट मेयोनीज डालेंगे। ये मैंने ग्रीन चटनी और मेयोनीज को मिक्स करके बनाया है, इससे थोड़ा इंडियन टच आएगा और ये पैटीज के साथ मिलकर बहुत टेस्टी लगेगा। ऊपर फिर से आप टोस्टेड बन रख दीजिए और लीजिए, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार है हमारा द ग्रेट वेज बर्गर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा।